अस्सलाम वालेकुम एंड हियर वी आर विद अ न्यू टॉपिक जो है हमारे विजिट्स, बटन विजिट्स के बारे में। बटन विजिट्स कौन कौन से बटन विजिट्स के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हम बटन बार के बारे में बात करने वाले हैं एंड पॉपअप मेन्यू बटन के बारे में बात करने वाले हैं और अपना आउटलाइन बटन के बारे में एंड आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली। चलो देख लेते हैं कौन सा बटन है, ठीक है। तो पहले चलते हैं हम बटन बार के बारे में, ठीक है। तो बटन बार क्या है? इस एंड अलाइन रो ऑफ द बटन्स, ये क्या है? ये क्या करता है? ये आपको आपके बटन्स को रो में अलाइन कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर रो में जगह कम हो जाती है तो वो हॉरिजेंटली दूसरी लाइन से स्टार्ट कर देगा। तो ये है आपका बटन बार, दिस इज़ द योर बटन बार। इसकी ये सारी प्रॉपर्टीज है जो हम कोड में वहाँ पर सोर्स कोड से डिस्कस कर लेंगे। और ये है आपका आउटलाइन बटन। आउटलाइन बटन क्या करता है? इट इज़ सिमिलर टू द फ्लैट बटन। फ्लैट बटन बटन जैसा ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? थिन ग्रे राउंडेड रेक्टेंगुलर बॉर्डर। इसका जो बॉर्डर होता है ना वो राउंडेड होता है और रेक्टेंगुलर, थोड़ा रेक्टेंगुलर और अपना ग्रे कलर का होता है, ठीक है। फंक्शनैलिटी के हिसाब से फ्लैट बटन और आउटलाइन बटन एक जैसे ही हैं, बस फ़र्क ये थोड़ा सा डिज़ाइन का फ़र्क है, डिज़ाइन का फ़र्क है भैया। और उसके बाद आपका आता है रेस बटन। रेस बटन क्या होता है? वही बटन होता है लेकिन उसकी जो अपीयरेंस होती है, उसकी जो यूआई होती है थोड़ी सी निकली होती है, जस्ट लाइक दैट। इसकी अपीयरेंस थोड़ी सी निकली हुई है, ठीक है। तो ये आपका आता है रेस बटन होता है। और प्रॉपर्टीज वी विल सी इन द सोर्स कोड एंड द पॉपअप मेन्यू बटन। आपका जो पॉपअप मेन्यू बटन होता है कि जब आप एक बटन आपने देखा होगा कि आप कभी किसी बटन पर क्लिक करते हो तो वो एक पॉपअप मेन्यू शो हो जाता है, तो वो होता है पॉपअप मेन्यू बटन, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं? डिस्प्ले मेन्यू, डिस्प्ले द मेन्यू व्हेन प्रेस एंड कॉल ऑन सिलेक्टेड। मतलब जब आप बटन को उसको प्रेस करते हो तो एक मेन्यू सिलेक्ट हो जाता है। मेन्यू कैसे सिलेक्ट होता है कि एक अपना आपका मेथड जो है ऑन सिलेक्टेड मेथड कॉल हो जाता है, उसमें आपका मेन्यू आ जाता है। व्हेन अ मेन्यू इज डिसमिस, जब आप मेन्यू को डिसमिस करते हो बिकॉज एन आइटम वॉज सिलेक्टेड, ठीक है। जब आप मेन्यू को डिसमिस करते हो क्योंकि एक आइटम वहाँ से आपने सेलेक्ट कर लिया। द वैल्यू पास टू द ऑन सिलेक्टेड इज़ द वैल्यू ऑफ द सिलेक्टेड मेन्यू आइटम। अच्छा, जो ऑन सिलेक्टेड में आप क्या कहते हो, जो वैल्यू पास हो, ऑन सिलेक्टेड में जो वैल्यू पास होगी ना, वो किसकी वैल्यू पास होगी? सिलेक्टेड मेन्यू आइटम की वैल्यू पास होगी, ठीक है। तो ये चल कर आगे आपके देखते हैं इसमें सोर्स कोड में। तो ये थी इनकी डेफिनेशन। और यहाँ पर हम आते हैं इसके कोड पे, पहले इसकी अपीयरेंस देख लेते हैं भाई। ये आपका होता है आउटलाइन। आउटलाइन में सिर्फ यही फ़र्क होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है, अच्छा एक मिनट, मैं आई थिंक आई शुड कनेक्ट दिस टू द आई डी। मैं इसको, मुझे इससे कनेक्ट करना चाहिए। ओके, एक मिनट का काम है। Sorry for the this interruption, but I know I have to make this. Okay. Keyboard भी काम नहीं कर रहा भाई आपका। कनेक्टेड हो गए। आई हैव टू रिफ्रेश दिस। अच्छा, ये कहाँ था मैं? हम थे बटन बार पे। पहले आप डिस्कस कर लेते हैं हम बटन बार को। तो ये आपका हो गया बटन बार। इसके जाते हैं सोर्स कोड। अच्छा, सोर्स कोड देखने के लिए मैं कौन सी जो शॉर्टकट की कौन सी होती है, कंट्रोल बी के साथ आप अपना उस क्लास का क्या कहते हैं देख सकते हो सोर्स कोड। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारे अपने बटन बार के साथ उस प्रॉपर्टीज कौन सा थी? अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी है, मैनिक्स साइज की प्रॉपर्टी है, बटन थीम, बटन टेक्स्ट थीम, बटन मैनिक, बटन हाइट, पैडिंग, अलाइन ड्रॉप डाउन एंड लेआउट बिहेवियर, ओवरफ्लो डायरेक्शन, ओवरफ्लो बटन स्पेसिंग और आपका लास्ट में चिल्ड्रन प्रॉपर्टी, ठीक है। ये सारी आपकी प्रॉपर्टीज हैं इसके, आपके पॉपअप मेन्यू बटन की, ठीक है। ओके, आपके पॉपअप मेन्यू बटन की प्रॉपर्टी। ऑलराइट,
अच्छा, इसकी कंडीशंस क्या है कि आपकी जो मिनिमम लेंथ है बटन की, जो मिनिमम लेंथ है वो नल नहीं हो सकती, इट मस्ट बी एंड मस्ट और इट मस्ट बी ग्रेटर देन 1 सॉरी 0, और हाइट भी यही, हाइट में भी यही कंडीशन है। आपके ओवरफ्लो भी, ओवरफ्लो स्पेसिंग भी 0 नहीं हो सकती, और वो सॉरी नल नहीं हो सकती और 0 से ज़्यादा ही होगी, ठीक है। तो ये है आपकी प्रॉपर्टीज और ये है आपकी कंडीशंस, ऑलराइट। अच्छा, तो ये है आपका बटन बार में, ये दिस इज़ हाउ योर बटन बार लुक। तो मैंने यहाँ पर तीन बटन ऐड किए हैं, एक तो फ्लैट बटन, एक आइकन और एक अपना ये कौन सा बटन है, तीसरा फ्लोटिंग बटन, सॉरी ये वाला फ्लोटिंग है, ये आइकन बटन है, ओके। तो ये मैंने 3 ऐड किए इन अ रो, यहाँ पर दिखा देता हूँ कोड में। ये मैंने चाइल्ड बटन बार यूज़ किया, यहाँ पर मैंने अलाइनमेंट सेट की, भाई सेंटर में होनी चाहिए। उसके बाद मैंने चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन विजिट में अपना बटन सेट किए, ऑब्वियसली इट इज़ अ बटन बार तो हम बटन ही ऐड कर सकते हैं और कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने उस बटन को डिस्क्राइब किया, हाउ दे विल रिएक्ट और हाउ दे विल लुक। तो ये सारे बटन वही हैं जो हमने दूसरे उसमें यूज़ किए हैं, लेकिन ये आपका है बटन बार। ये क्या होता है, ये हॉरिजेंटल आपकी एक होती है, ये आपके रॉ हॉरिजेंटल होती है उसे। ये आपको क्या कहते हैं, ये करता क्या है, सिंपली इट डज कि ये आपका क्या करता है, हाँ आपके बटन्स को रॉ में अलाइन करता है, दैट्स इट, इसका यही काम है भैया। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने आइकन बटन या आउट एंड बटन, ठीक है। ये आपका यहाँ से हम आ जाते हैं आउट एंड बटन, दिस इज़ योर आउट एंड बटन, ठीक है। और आउट एंड बटन यहाँ से देखो, आउट एंड बटन इस पर, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑन प्रेस पे फंक्शनलिटी ऐड की हुई है भाई। अब आउट एंड बटन में क्या है, ओके अब आउट एंड बटन में किसी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, किसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है भाई। पहले तो ये बता दो कि आउट एंड बटन मटीरियल बटन से एक्सटेंड हुआ है, ये क्लास है मटीरियल बटन से एक्सटेंड हुई है, इसकी प्रॉपर्टी तो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज है। ऑब्वियसली हर बटन की रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑन प्रेस तो होती होती है, और कोई हो ना हो ऑन प्रेस इज़ द मस्ट। उसके बाद आप क्या करते हो, विजिट, ऑब्वियसली यू विल ऐड द विजिट ताकि उसमें अंदर कुछ रखो तो सही। अगर विजिट ही ऐड नहीं करोगे, अगर बटन के अंदर कुछ रखोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि वो बटन है, पता कैसे चलेगा उसका, या हमें ये कैसे पता चलेगा वो किस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये आपकी ऑन लॉन्ग प्रेस प्रॉपर्टी, ये आपकी है ऑन प्रेस प्रॉपर्टी, ये आपके कलर्स है, ये सारी कलर से रिलेटेड चीज़ें, ये आपकी दिस बॉर्डर साइड एंड डिसेबल बॉर्डर कलर, हाइलाइटेड बॉर्डर कलर, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। ये आपकी क्या कहते हैं, यूआई से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। यू कैन ट्राई दिस थिंग, आप इन सारी प्रॉपर्टीज़ को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और इसमें कंडीशंस क्या है, आपकी ऑटो फोकस नल नहीं हो सकती, कलर क्लिप बिहेवियर भी आपका नल नहीं हो सकता, और हाईलाइटेड एविलेशन मस्ट नॉट बी द नल और इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो ये चीज़ें हैं आपकी आउटलाइन बटन की, ये सारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इनमें ऐसे हमने कौन सी यूज़ की, हमने सिर्फ आउटलाइन बटन लगाया, उसके बाद ऑन प्रेस प्रॉपर्टी यूज़ की है, उसके बाद चाइल्ड में हमने टेक्स्ट रखा कि उसमें पता चले कि ये है क्या, उसके बाद थोड़ा बॉर्डर को हमने एडिट किया, बॉर्डर साइड्स को एडिट किया और कुछ नहीं किया इसमें, ऑलराइट। तो ये है आपका आउटलाइन बटन। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने पॉपअप मेन्यू बटन पर, इसको क्लिक करके देते हैं, ये क्लिक किया ये पॉपअप आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आ गया पॉपअप मेन्यू बटन, फिर इसमें जाते हैं कंट्रोल ओके, ओके कंट्रोल बी। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, इसमें कुछ एक क्या कहते हैं यूएल बटन से कुछ एक दो कुछ प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा या डिफरेंट है, वो ये है कि द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द पॉपअप मेन्यू बटन इज़ द आइटम बिल्डर, कि भाई आप पॉपअप मेन्यू में कितने आइटम्स शो करवाना चाह रहे हो वो आप यहाँ पर बताओगे उसको कि आप कितने उसमें शो करवाना चाहिए। उसके बाद इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू का ये होता है कि भाई मैंने जो एक मेन्यू बनाया है उनमें से पहली यानी जो इनिशियल वैल्यू बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैं किसको सेट करूँ या किसको सिलेक्टेड रखूँ, ये होती है। और ये आपका ये ऑन कैंसिल ऑन सिलेक्टेड मेथड होता है, कि ऑन सिलेक्टेड मेथड ये होता है कि जब भी मैं उस मेन्यू में से कोई भी एक चीज़ को सिलेक्ट करूँ तो रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए मुझे, और सिलेक्ट में कैंसिल में भी ये जब मैं किसी को सिलेक्ट जब मैं क्या कहते हैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक मिनट इसको देख लेते हैं, आएंगे ऑन कैंसिल को थोड़ा देख लेते हैं कि व्हाट इज़ ऑन, ओके
If the user is selected value, if the user selected a value on selected is call instead, okay, called when the user dismisses the program. अच्छा, आपका ये है कुछ सीन कि पॉपअप मेन्यू कैंसिल तब यूज़ होता है जब आपने पॉपअप मेन्यू खोला, उसके बाद आपने उसमें से कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट नहीं की, मतलब कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया, तो तब आपका जो ऑन कैंसिल जो ऑप्शन है क्या कहते हैं वो कॉल होगा। फिर यहाँ से इसको देख लेते हैं, इसको पॉपअप मेन्यू में ऑन क्लॉक, ओके हाँ ओके यही है, कॉल व्हेन द यूज़र डिसमिस द पॉपअप मेन्यू बटन विदाउट सेलेक्टिंग द आइटम कॉल, और ऑन सेलेक्टेड में क्या है, कॉल व्हेन द यूज़र सेलेक्ट द वैल्यू फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू बटन क्रिएटेड बाय दिस, ओके करें। ये आपकी होगी, ये दोनों क्लियर होगी। टूल टिप के बारे में तो पता ही होगा कि टूल टिप व्हाट इज़ द टूल टिप, और आई गेस हमने क्या करना है, फिर से ओके इसके बाद ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई। टूल टिप तो पता होगा, एलिवेशन के बारे में हमने बहुत बात कर ली है, पैडिंग, चाइल्ड आप उसमें क्या ऐड करते हो, मैंने चैट में आइकन ऐड किए, आप कोई टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू, आइकन अगर आप यूज़ करना चाहो। अच्छा इसमें एक चीज़ है वो बताता हूँ बाद में थोड़ा, ठीक है, आइकन यूज़ करना चाहो, डायरेक्ट आइकन यूज़ करना चाहो वो कर सकते हो, चैट में टेक्स्ट यूज़ करना चाहो वो आप कर सकते हो, और आपका ऑफसेट में क्या है, लेट्स सी और व्हाट इज ऑफसेट, ओके व्हेन नॉट सेट पोजीशन नेक्स्ट, ओके ऑफसेट अप्लाइड टू द पॉपअप मेन्यू बटन व्हेन नॉट सेट, आई डोंट नो अबाउट इट क्योंकि ऑफसेट के बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि आई हैवंट यूज इट येट, तो वी विल लुक एट दिस लेटर, तो बाद में कहीं कभी देख लेंगे। इसके बाद आप आते हो ऑफसेट के बाद में आप आते हो ऑन इनेबल पे आते हो, उसके बाद आपकी शेप है, कलर है, और आपका ये कैप्चर एनालिसिस, ये सारी चीज़ें मतलब आपकी प्रॉपर्टी है पॉपअप मेन्यू बटन की, ठीक है। अच्छा आपकी इसकी कंडीशन है कि भाई आइटम बिलो इज अ रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी, तो वो नल हो ही नहीं सकता, वो होना ही नहीं चाहिए, ऑफसेट वैल्यू भी नल नहीं होनी चाहिए, बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू सेट होती है, इनेबल भी नल नहीं होना चाहिए, उसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू सेट है, और कैप्चर इनहेरिटेड इनहेरिटेंस एंड, अच्छा एक जो लाजमी इसकी प्रॉपर्टी जो कंडीशन है वो ये है कि आप चाइल्ड विजिट में से और आइकन विजिट में से दोनों में से कोई एक विजिट यूज़ कर सकते हो, मतलब यू कॉन्ट यूज़ अ बोथ, ओके, या आपने चाइल्ड विजिट पास करना है या आपने आइकन विजिट पास करना है, दोनों नहीं कर सकते। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर आइकन विजिट पास किया, चाइल्ड विजिट पास नहीं किया, और तो ये आपका हो गया पॉपअप मेन्यू बटन। इसको मैं, अच्छा यहाँ पर इसको देखते हैं हमने क्या क्या यूज़ किया, एलिवेशन यूज़ किया थोड़ी सी, आइकन यूज़ किया, अच्छा आइकन यूज़ किए, चाइल्ड विजिट मैंने यूज़ नहीं किया। ऑन सेलेक्टेड पर क्या करें भाई, ऑन सेलेक्टेड पर एक सेलेक्ट मेथड है, उसको क्या करना है, कॉल करेगा, अच्छा वो देखते हैं कि। उसके बाद आइटम बिल्डर में से आपने क्या कहते हैं पॉपअप मेन्यू आइटम यूज़ करना है, ठीक है। तो आइटम बिल्डर कॉन्टेक्स्ट क्या गया, आपने यहाँ से ऐसे ऐड करने, आइटम्स आप कैसे ऐड करोगे, ऐसे ऐड करोगे पॉपअप मेन्यू आइटम इज़ अ काइंड ऑफ क्लास, वो आप यूज़ करोगे, आप उसको वैल्यू दोगे, आप उसमें, अच्छा इसको इसकी प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं, वाइज सो इसकी कोई वैल्यू प्रॉपर्टी, आप उसको वैल्यू दोगे ताकि आप उसको यूनिक बना सको, ठीक है, और इनेबल यूज़ कर सकते हो हाइट, ठीक है, और सॉरी टेक्स्ट स्टाइल यूज़ कर सकते हो। अच्छा इसमें जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो है आपकी चाइल्ड विजिट, मतलब चाइल्ड विजिट मस्ट होना चाहिए, और आप वैल्यू भी यूज़ करो क्योंकि आपको फिर पता, क्योंकि उस क्या कहते हैं आइटम को यूनिक बनाने के लिए आप वैल्यू लाजमी यूज़ करो, वरना कन्फ्यूज़न हो सकती है कभी भी, ओके। तो ये हमने दो चीज़ें यूज़ किया, एक वैल्यू यूज़ की और सेकंड चीज़ हमने चार वैल्यू यूज़ किया, और दूसरे में भी हमने कुछ ऐसा ही किया। अच्छा उसके बाद क्या किया मैंने, हमने अच्छा यहाँ पर हमने एक मेथड किया है, उसको देखते हैं वो कहाँ पर है, ये आपका मेथड यहाँ पर पड़ा है, मेथड में क्या लिखा है कि भाई अगर वैल्यू, अच्छा मेथड में मैंने क्या लिखा है, पैरामीटर्स जो रखे हैं यहाँ वो रखे कि भाई इसमें एक एज ए इनपुट हम क्या चीज़ लें, मस्ट जो मस्ट होनी चाहिए वो है वैल्यू, ठीक है, एक इंटीजर वैल्यू। अब इसमें मैंने कंडीशन रखी, इफ़ द वैल्यू इज इक्वल टू वन,
अगर वैल्यू 1 आए, ठीक है, तो आपने क्या करना है, प्रिंट करवाना है राइट योर नेम हेयर। लेकिन अगर वैल्यू 2 आए, मतलब वैल्यू जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू अगर 2 आए, तो आपने राइट योर सरनेम प्रिंट करना है। अच्छा, ये कैसे वर्क करेगा याद, अच्छा ये मैं याद थोड़ा दिला दूँ कि ऊपर जाओ, अच्छा ये थोड़ा याद दिला दूँ कि जब हम ऑन सेलेक्टेड में आते हैं, ठीक है, ऑन सेलेक्टेड में क्या होता है, यहाँ पर चलें हम ऑन सेलेक्टेड की प्रॉपर्टीज में ताकि आपको थोड़ा याद हो। अच्छा यहाँ पर क्या था, कॉल द ऑन सेलेक्टेड, मैंने ओके यहाँ पर था द वैल्यू पास टू द ऑन सेलेक्टेड। अच्छा जब ऑन सेलेक्टेड वैल्यू में आप वैल्यू पास करोगे, ठीक है, तो ये है आपका ऑन सेलेक्टेड में मैंने एक मेथड से लेके आया। अब इस मेथड में हम, मुझे पता है कि मैंने आपको दिखाया है कि इसमें एक वैल्यू एज ए इनपुट हम लेंगे, ठीक है। जब जब आप किसी भी आइटम को यहाँ से ऑन सेलेक्ट करते हो, अब आपको पता है कि नेम की जो वैल्यू है वो 1 है और सरनेम की वैल्यू है क्या, 2। अब जब मैं ऑन सेलेक्ट, जब मैं सेलेक्ट करूँगा तो नेम, नेम की वैल्यू क्या है, 1। तो 1 जो वैल्यू होगी वो आपके क्या कहते हैं, 1 जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर पास हो जाएगी। उसके पास होने के बाद ये आकर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर 2 आ रहा है तो 2 के बाद राइट योर सरनेम प्रिंट होगा। यहाँ पर मैं करके देख लेता हूँ, नेम में यहाँ पर आ गया राइट योर नेम, ये हो गया। उसके बाद आपका क्या होगा, फिर से मैंने पॉप रखा, अगर सरनेम में क्या होगा, सरनेम में यहाँ पर मैं इसको क्लिक किया और यहाँ पर इसका आ गया राइट योर सरनेम है। तो ये है इसका काम ऑन सेलेक्टेड में, ये चीज़ होती है कि जब भी आप कोई आइटम सेलेक्ट करोगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो ऑन सेलेक्टेड में पास हो जाएगी। तो दिस इज़ द फंक्शन। उसके बाद द लास्ट हमारा कौन सा विजिट है, वो है आपका रेस बटन, ठीक है। रेस बटन की सोर्स कोड में हम जाते हैं, ओके, रेस बटन के सोर्स कोड में जाते हैं, क्या करते हैं, इसकी भी वही प्रॉपर्टीज है जो क्या कहते हैं दूसरे बटन्स की प्रॉपर्टीज हैं, एलिवेशंस होगी, डिसेबल कलर हो गया, फोकस ओवर कलर, स्प्लैश कलर, सारी प्रॉपर्टी सेम ही है। ऑन प्रेस भी सेम है, ऑन लॉन्ग प्रेस भी सेम है, और आपका अच्छा इसमें एक ड्यूरेशन की इसकी चेंज है कि भाई आप इसमें एनिमेशन ड्यूरेशन यूज़ करता है। अब ये हाउ डज इट वर्क, इसमें हाउ डज इट लुक, मुझे नहीं पता ये कैसे लुक करेगा, आप यू हैव टू गिव इट अ ट्राई, आपको उसको ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा इसमें प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि भाई आउटो फोकस मस्ट नॉट बी ना, एलिवेशन जो क्या होनी, कोई भी एलिवेशन समथिंग रिलेटेड हो वो नल नहीं होनी चाहिए और 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, और क्लिप बिहेवियर भी नल नहीं होना चाहिए। एनिमेशन ड्यूरेशन, क्योंकि अभी तक मैंने ट्रांजिशन वाली चीज़ें नहीं पढ़ी तो मुझे एनिमेशन ड्यूरेशन या एनिमेशन से रिलेटेड अभी कोई चीज़ नहीं आती, अभी तक मैंने नहीं सीखी। आप इसमें क्या यूज़ करते हो, चाइल्ड विजिट यूज़ करते हो, जैसे नॉर्मल जैसे ही आप एक फ्लैट बटन बना रहे हो ना, ये भी वैसे ही आप उसको भी वैसे ही बनाते हो, जस्ट फ़र्क ये है कि इसकी थोड़ी अपीयरेंस में फ़र्क आ जाती है, इसमें थोड़ी एलिवेशन आ जाती है भाई, और कुछ नहीं होता, एक थोड़ा सा कहते हैं एलिवेट हो जाता है आपका जो उसकी जो यू आई है ना, थोड़ा सा एलिवेट हो जाता है और इसमें कुछ नहीं। इसमें मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ किया भाई, मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया। अच्छा इसमें सिर्फ ये किया है कि टेक्स्ट विजिट कि बटन के अंदर कौन सा टेक्स्ट होना चाहिए, और ऑन प्रेस यूज़ किया, 2 प्रॉपर्टीज बस। ऑन प्रेस को हमने क्लिक किया तो आपका रेस बटन प्रेस हो जाएगा। तो ये थी आपकी सारी प्रॉपर्टीज, सारे आपके ऑलमोस्ट सारे बटन के बारे में हमने बात कर ली। एक रहता है उसको हम एक अलग वीडियो में देखेंगे, वो आपका रहता है ड्रॉप डाउन मेन्यू बटन, उसको हम फिर कभी देखेंगे। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टिल द नेक्स्ट टॉपिक, बाय बाय एंड पीस ब्रदर।